एक्टिंग वाइज सब वाइज रियलिटी दिखाया है, बट वही है कि लोग उससे सीख ले लें, इंस्पिरेशन देती है बहुत अच्छी, क्योंकि डाउरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जैसा उन्होंने बताया भी, बट वही है कि फिल्म तो बहुत अच्छी है, सबको देखनी चाहिए और साथ साथ थोड़ी इंस्पिरेशन लेके सीख भी ले लेनी चाहिए कि आगे ये डोरी की प्रथा खत्म करो अब जाकर के, अब हाई टाइम आ गया खत्म करने का। तो परफेक्ट फिल्म, बहुत अच्छी थी, बहुत इंटरटेनिंग भी थी। म्यूजिक तो एक ही था, एक से दो गाने ही थे तो सही थे, और डायरेक्शन भी सही था म्यूजिक का। तो मेन तो स्टोरी बहुत अच्छी थी, उन्हें एक्ट बहुत अच्छा किया अक्षय कुमार ने। आई वुड से 4.7 4.5 to 4.7। रक्षाबंधन इज़ वेरी, आई फेल्ट वेरी लवली बिकॉज फर्स्ट टाइम इन द ईयर इट हैज़ बीन दैट गॉट रिलीज ऑन द फेस्टिवल ऑफ रक्षाबंधन, सो इट्स अ वेरी लवली थिंग। बेस्ट पार्ट इट हैज द शोन हिज डीप लव टूवर्ड्स हिज थ्री सिस्टर, ईच एंड एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इज बींग थ्रू, इट्स वेरी वंडरफुली ही हैज प्लेड। सॉन्ग्स ऑल्सो गुड, आई लव दैट तेरा साथ हूँ and also the title track of Rakshabandhan, because they have shown a very deep bonding of a brother and a sister, so I feel if their brother and sister will come, so they will enjoy this movie. Are you connected to your story something like this? Yeah, because I miss my brother, he's not here, he is out of, so I really missed him always. Out of 5, how many stars? 4.5. मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी, क्योंकि एकदम रियलिटी पे बेस्ड है, सब कुछ ऐसा है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम लोग देखते ही है सोसाइटी में, ऐसा कुछ भी नहीं था कि एकदम ये तो हमने देखा ही नहीं, बहुत अनयूजुअल चीज़ थी, तो रियल रिलेटेबल टाइप भी थी, तो अच्छी थी। और मतलब एक्टिंग एप्ट थी, ऐसा नहीं लगा कि कहीं भी, मतलब मूवी टू द पॉइंट था, इधर घुमाओ हमें था और सोशल कॉज के ऊपर मूवी था, डाउरी डेथ के ऊपर, तो मूवी बहुत ज़्यादा सही है। हाँ, और एक्टिंग भी ऐसी, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो लोग फेक करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत एफर्ट्स डाले, बहुत एफर्टलेस। एक सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट होगा इस मूवी से एक्चुअली। लाइक आप जैसे जनरेशन, जो न्यू जनरेशन है, ये मूवीज क्यों देखे एंड क्यों लोग आके ये और मूवी देखे? आई थिंक क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्यों नहीं देखे। जब हम सब तरह की मूवी देखते तो ये भी देखना चाहिए, और इनफैक्ट ये वाली मूवीज तो ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। जैसे हम लोग जितने भी आए, हम सब लोग लॉ स्टूडेंट्स हैं, तो आई गेस लॉ स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मूवी देखना, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सोसाइटी के इशू से डील करती है, इसे बहुत कुछ समझ में भी आता है और सबको इससे इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि उसमें भी आप जैसे मूवी में देखे कि जो बड़े लोग हैं वो थोड़ा बाद में सब कुछ होने के बाद समझ रहे हैं, तो हमारी जनरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अभी से ही बात समझ के चलें, ताकि आगे जनरेशन को अच्छा रहे। ठीक लगी है, मीन्स इतना कुछ खास नहीं, सेकंड हाफ थोड़ा बोरिंग है, स्टोरी जस्टिफाई नहीं करते। अक्षय कुमार का एक्टिंग बहुत बढ़िया है, सभी लोग की एक्टिंग बहुत बढ़िया है, स्क्रिप्ट में थोड़ा सा काम करना है, एंटरटेनमेंट है, बट फर्स्ट हाफ अच्छा है, सेकंड हाफ थोड़ा स्लो है, आई थिंक फैमिली के साथ देख सकते हैं, वन टाइम वॉचेबल। 2.5। फिल्म का जवाब नहीं, मतलब एकदम काफ़ी समय के बाद एकदम लेटेस्ट स्टोरी आई है, डायरेक्शन बढ़िया स्टोरी लेकर आए, पीएल राय, आनंद पीएल राय, हर लड़की ये सोचती हो कि मेरा भाई ऐसा ही हो अक्षय कुमार जैसा, जैसे अक्षय कुमार बहुत अच्छी फाइट करते हैं, उन्होंने कॉमेडी भी बहुत अच्छी की। मेरे हिसाब से तो मुझे तो फिल्म के अंदर कोई कमी नज़र नहीं आई, मैं तो 5 में से 5 ही नंबर दूंगा, वो फिल्म के अंदर फाइट भी है, गाने भी अच्छे हैं, इमोशनल भी है, वो फिल्म ने बार बार रुलाया और बार बार हंसाया, बार बार रुलाया बार बार हंसाया। और जो लड़की है ना, जो नई लड़की आई काम करने के लिए, उनका भी काम का जवाब नहीं, और हीरोइन तो जब वो हंसती है तो ऐसा लगता है जब बिजली कड़क रही हो। भूमिका पेंडेगल नाम है उनका। रक्षाबंधन मूवी लॉट ऑफ इमोशंस, बहुत इमोशंस है, बट मूवी ठीक बनी है, इतनी ज़ोरदार नहीं बनी है, मैसेज अच्छा है मूवी का और ओवरऑल ठीक बनी है। अक्षय कुमार का काम बहुत अच्छा है, हर फ्रेम में अक्षय कुमार है, तो 1 घंटे 50 मिनट की जो पिक्चर है, मुझे नहीं लग रहा एक भी फ्रेम में अक्षय कुमार नहीं है, तो ओवरऑल उनकी एक्टिंग, इमोशन सब कुछ अच्छा है, बट पिक्चर एवरेज बनी है। देखो म्यूजिक स्टार्टिंग के 2 सॉन्ग अगर आपको फ्रेंकली बताऊं तो बहुत ही बकवास है, एक जो मूवी का सॉन्ग है विदाई का वो बहुत अच्छा है, बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट वाइज डाउरी मैसेज एवरीथिंग इज़ फाइन, डायरेक्शन आनंद राय का ओके लगा मुझे, क्योंकि इमोशंस जो बताने जा रहे हैं वो इतना स्क्रीन में उभर के नहीं आए हैं। आई थिंक 2.5 स्टार्स। रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन मूवी देखी, और रक्षाबंधन का महत्व भी है आज, और हम लोग भी भाई बहन राखी बांधेंगे सब, लेकिन जिस नाम से ये पिक्चर बनाया गया है वो सीन इसमें नाम मात्र का भी नहीं है, राखी बांधने का जो सीन है वो दिखाया ही नहीं है इसमें, तैयारी दिखाई उसके बाद ट्रेजेडी हो गई। अब सवाल है कि इंटरवल के पहले अक्षय कुमार ने बहुत हंसाया, वो दिल्ली वाली भाषा बोल बोल के सबको हंसाया, कॉमेडी है,
इंटरवल के बाद थोड़ी ट्रेजेडी है, थोड़ा इमोशन डाला है। पिक्चर एवरेज है, भूमिका का काम अच्छा है, अक्षय कुमार जी का रोल अच्छा है, अक्षय कुमार जी डाउरी बेस्ड पिक्चर बनाए हैं और जागरूकता पैदा किया है कि हम लोग जब भी कोई प्रेग्नेंट औरत होती है तो बच्चे की कल्पना जो करते हैं वो ही की करते हैं, सी की नहीं करते हैं कि लड़का हो। लेकिन लड़का अगर लड़की से डाउरी मांग के शादी करके उसके बाद भी उसको तंग करे और हर त्यौहार में, तीज त्यौहार में उसे मांगने 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 का ही हक रखे, तो वो इसमें दिखा है कि वो बहुत ही गलत है और वो एक मुद्दा ज्वलंत है और नहीं करना चाहिए। वो एक सीख मिलेगी इससे, ये मैसेज ये देना चाह रहा है अक्षय कुमार। म्यूजिक में कोई दम नहीं है, वो माता जी का और एक दो गाना है लेकिन उसमें कोई उतना इंटरेस्ट नहीं। आउट ऑफ 5 इसमें एवरेज मूवी है, 2.5-3 स्टार ही होंगे। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ भाई बहन के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही अच्छी। अक्षय कुमार का काम कैसा लगा? बहुत अच्छी। चारों की एक्टिंग, सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी बट अक्षय कुमार की एक्टिंग बाय फार बहुत अच्छी। म्यूजिक की बात की जाए, डायरेक्शन की बात की जाए, एवरीथिंग वॉज गुड, इट वॉज इंटरेस्टिंग।